لا تنسوا هذا واعلموا ان حديث الغدير خم حديث غدير خم هذا هو العمده المستقر الذي ي... يعني يمكن ان تكون من المهد الى اللحد لم تسمع عنه في مسجد سني لا تسمع عن الحديث ده لا كلمه غدير خم دي ممكن تعيش وتموت كسني عندك سبعين ثمانين سنه عمرك ما سمعت عن غدير خم دي ابدا ابدا مع انها في صحيح مسلم बिसमिल्ल वसलाम السلام वाला असलम वरम वा मुझे अच्छी तरह से याद है कि जमान तालबी में हमें एक किताब पढ़ाई गई जिसका नाम था नफ़त्तुलरब इस किताब को मौलाना मोहम्मद एजाज़ अली साहब ने लिखा है जो कि दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम थे और ये किताब मदारिस में इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि तलबा को अरबी ज़बान के साथ और अरबी अदब से वाकफियत हो जाए वो जान सके अदबी लताइफ़ के ज़रिए से कि मुहावरात क्या होते हैं बोल चाल क्या होती है गुफ्तु अरबी ज़बान के अंदर किस तरह से की जाती है इस किताब में एक लतीफ़ा है ये तो बतौर लतीफ़ा के ज़िक्र किया गया और जब यह हमने क्लास में सुना था तो हम इस पर बहुत हंसे थे और शायद आपको भी हंसी आए लेकिन आज मैं जब देखता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि इस तरह के वाक़ात और इस तरह की प्रीचिंग वो तलबा के मासूम जहनों पर क्या असर डालती है असल वाक़ ये है कि एक शख्स कहता है कि मैं एक सफ़र में था एक बिज़नेस मैन था वो कह रहा वो कहता है कि मैं सफ़र में था और मैंने देखा कि एक शख्स हमारे साथ बहुत ही बदखलाक आदमी सवार था जो बिल्कुल हमेशा गु़स्से में रहता था और उसके सामने अगर उसके सामने अगर शिया का ज़िक्र हो जाता शिया का नाम आ जाता तो वो बहुत उसका मिजाज बिगड़ जाता था तो वो कहता है वो शख्स व ताजिर कि मैंने उससे पूछा कि ऐसी क्या बात है कि तुम्हें इस शिया लफ् से चिड़ क्यों है तो उस बंदे ने बताया उस बदखलाक शख्स ने बताया कि मुझे इस शिया के लफ् से चिड़ इसलिए है कि दुनिया में जितनी भी बुरी चीज़ें हैं उनके आगाज़ में आप देखें यानी जो वो चीज़ें जो बुरी हैं उनके नामों के शुरू में देखें तो शीन से शुरू होते हैं जैसे शराब है तो ये शीन से शुरू हो रहा है इसी तरह शर है तो शीन से शुरू हो रहा है शैतान है तो शीन से शुरू हो रहा है तो इस तरह बहुत सारे अल्फाज उसने गिनवाए और कहा कि देखो इसके शुरू में शीन आता है और चूंकि शिया के लफ्ज़ के अंदर भी शीन आता है तो इसलिए ये क्या है मुझे इनके ऊपर गुस्सा आता है और मुझे ये बुरे लगते हैं क्योंकि ये जो दीगर नाम है शैतान है शर है और इसी तरह दीगर अल्फाज हैं इन सब के अंदर शीन आ रहा है और शिया के शुरू में भी शीन है तो ये वाक़ जब हमने सुना था अपने उस्ताद की ज़बानी और किताब में जब पढ़ा था तो हम बहुत हंसे थे लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इससे जहन पे एक असर पड़ जाता है तलबा के और वो समझने लगते हैं कि अच्छा तो फिर वाकई अगर इन बुरी चीज़ों के नामों के शुरू में शीन आता है और वो चीज़ें बुरी हैं तो फिर इसका मतलब ये कि शिया भी बुरे ही हालांकि इन दोनों बातों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है और यहाँ पर हमारे उस्ताद ने कोई आगे कोई मजीद वजाहत नहीं की थी वो ये कहते हैं कि नहीं भाई ये वाक़ है लतीफ़ा है लेकिन बस इसी तरह से वो इस पर गुजर गए गोया कि हकीकत ही इस तरह हो तो आज हमारे ज़माने में जिस जमाने में हम जी रहे हैं अगर हम चीज़ों का जायजा लें तो हमें यह बात हकीकत नजर आती है कि हम दूसरों की मुखालफत के अंदर इस तरह के लतीफ़े बनाते हैं और अक्ल और लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और उस वक्त जब हमने ये लतीफ़ा सुना था तो हमारे जहन में ऐसा सवाल नहीं आया कि अच्छा अगर शीन की वजह से ये शीह बुरे हो गए तो फिर तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके शुरू में सीन आता है वो बुरी हैं और सुनीत में सीन से आगाज़ होता है तो फिर इसका मतलब है सुन्नी भी बुरे हो जाने चाहिए मसलन मस है उसके शुरू में सीन आता है तो और मैं कहूं कि जनाब उधर सूअ के शुरू में सीन है सुम है जहर और इसी तरह साइर है सकर है कुरान में इस्तेमाल है जहन्नम के लिए साइर और सकर तो फिर यानी ये बुरी चीज़ों के नामों के शुरू में सीन आता है इसलिए अब सुन्नी भी बुरे हो जाएंगे क्योंकि सुन्नियत के अंदर भी सीन है लेकिन ये लॉजिक और अकल उस वक्त इस्तेमाल आपको तो पता है तलब इलमी के ज़माने में नहीं होती है तो ये वाक़ सुनाने का मकसद आपके सामने क्या है क्यों मैंने आपको ये लतीफ़ा सुनाया और ये वाक़ जो कि सच्चा है मैंने आपको बताया इसलिए कि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग जो शिया नफरत का शिकार है या किसी फिरक़े की नफ़रत का शिकार होते हैं वो इस तरह के वाक़ बनाते हैं और उसको पेश करते हैं बहुत सारे जो वाइजिन हैं खुतबा हैं उनकी मिसालें आपके सामने हैं और मैं किसी का नाम लेना यहाँ पर पसंद नहीं करूँगा ये क्यों करते हैं इस तरह से इसलिए कि जनाब शियों की बहुत सारा कसूर हो सकता है आप कह सकते हैं कि उनका ये कसूर है ये कसूर है लेकिन एक बात जो मुझे समझ में आई है अभी तक वो ये है कि हम मसलन शिया से इतनी नफ़रत फैलाते हैं हमारे अहले सुन्नत के अंदर और बुनियादी वजह इसकी कुछ और होती है बुनियादी वजह यह है कि एक ज़माने के अंदर अहलबई तलिम सलाम की तलीमत से लोगों को दूर रखा गया और चूंकि उनके मानने वाले उस ज़माने में शियाने अली कहलाते थे तो फिर इतना फ़ासला पैदा किया गया और ये लफ्ज़ शिया का इतना बुरा बना दिया गया ताकि लोग वो असल तालीमात तक न जा सकें आज हम जिस शख्सियत के बारे में गुफ्तू करना चाहेंगे वो है मिस्र के एक आलम सुन्नी आलम सलफ़ी अखवानी जनाब शेख तारक़ यूसुफ़ अलमसरी साहब इनकी वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल हैं और मेरे पास ही बहुत सारे दोस्त अहबाब ने भेजी अरबी ज़बान में गुफ्तू करते हैं तो मुझसे ये पूछा गया कि इनके बारे में इनके हक़ायद के बारे में आपका क्या ख्याल है तो आज मैं इस शख्सियत के बारे में गुफ्तू करना चाहता हूँ कि ये एक सुन्नी आलम दीन थे ये शिया क्यों हुए देखिए आम बंदा अगर सुन्नी से शिया हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि उसके पास दलाइल नहीं होंगे या वो किसी को मतमिन नहीं कर सकता होगा तो वो सदा आदमी होगा इसलिए वो शिया हो गया लेकिन एक आलम दीन जो किसी फिरक़े का हो मोतबर शख्स हो जिसने अपनी ज़िंदगी के बीस तीस साल वो तहकीक के अंदर गुजारे हों तम के अंदर तालीम के अंदर कुरान सुन्नत से वाकफ हो वो शख्स जब शिया हो जाता है तो फिर इसकी वजह क्या हो सकती है इसका सबब क्या होगा कि शेख तारक़ यूसुफ साहिब शेख तारेक़ यूसुफ अलमसरी ये शी हो गए तो इसकी वजह उन्होंने खुद अपनी एक वीडियो के अंदर बयान की है सबब तशै तारिक अली यूसुफ अलमसरी ये यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं ये वीडियो मौजूद है अरबी में आप टाइप करेंगे तो ये वीडियो आपके सामने आ जाएगी शेख तारिक यूसुफ़ ने जो वजह बयान की है वो वही वजह है जिसका मैं एक अरसे से आपके सामने बयान करता रहता हूँ कि हमारे नौजवान क्यों शिया हो रहे हैं अरब के अंदर लोग क्यों शेयत की तरफ जा रहे हैं और मैंने अपने दर्द दिल का बहुत मरतबा अपने अहल सुनत अकाबरीन की खिदमत में गुजारिश भी की थी कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा नौजवान और हमारे लोग वो शेयत की तरफ माहल ना हो तो यकीन जानिए हमें खलूस के साथ हक को बयान करना चाहिए और अगर कोई हमारे सामने वो सवाल करता है तो हमें उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए कि तुम मुझसे इन हक का क्यों पूछ रहे हो शेयर सुनी मसायल का क्यों पूछ रहे हो यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अला सबीरमिस मुझसे अगर एक शख्स आकर सकीफ़ा के बारे में पूछे तो और मैं से कहूँ कि तू गुस्ताख सहाबा है ये रवैया दुरुस्त नहीं होगा कोई शख्स अगर मुझसे जैश उसामा के बारे में पूछे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल के आखिरी अयाम के अंदर एक लश्कर तैयार किया और उसके अंदर हज़रत अबू बकर उमर रजी अल्लाह रजील्मा भी थे लेकिन फिर क्या वजह हुई कि सहाबा उसमें देर कर रहे थे और उसमें देरी हुई तो मुझे इस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए इसी तरह और भी बहुत सारी मिसालें हैं हमें उन सवालों का जवाब अपने नौजवानों के सामने पेश करना चाहिए तो शेख तारिक यूसुफ अल मिसरी साहब इन्होंने जो अपनी शिया होने की वजह बयान की बड़ी दिलचस्प है और वो यही बात है कि जो मैं आपके सामने रखता हूं हदीस उसकलैम शेख यूसुफ मिसरी कहते हैं तारिक यूसुफ मिसरी कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर पूरी जिंदगी में कभी भी यह हदीस अपने अपनेजा से नहीं सुनी और इन्होंने लोगों के सामने खड़े होकर मिसाल बयान की कि अगर तुम्हारी जिंदगी के सौ साल है ना तो नाइन्टी एट साल के अंदर तुमने कभी भी अपनी सुन्नी मस्जिद से यह हदीस गदीर खुम नहीं सुनी होगी ये बात उन्होंने की कि जब मैंने इन चीज़ों को पढ़ा तो मुझे हदीसलैन मालूम हुई और ये सारे इख्लाफी मसाइल एक एक करके एक एक करके मुझे समझ आने लगे एक मिसाल इन्होंने इस मकाम पर दी है इन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पर कि हजरत उमर रजी अल्लाह हज तमत्तो इसके कायल नहीं थे बल्कि मना करते थे जबकि ये तमत्तू का जो हज है ये कुरान में सराहतन मौजूद है सराहतन वाज आय थे कुरान मजीद के अंदर हज़रत अबू बकर के जमाने में होता था नबी सब्सैन रजी की रवायत है, है।, है पैगंबर के जमाने में यह किया लेकिन बाद में फिर इसे एक शख्स ने मना कर दिया और उसने अपनी राय से बात की है इबन हजर असलानी रह के अंदर इस हदीज़ की शरह में कहा है कि रजुल से मुराद इमरान अब हुसैन ने तो यहाँ पे कहा कि एक आदमी ने अपनी राय से बात की है वो आदमी कौन है अपने हजर अस्कलानी रहा फरमाते हैं कि वो शख्स हजरत उमर रजीलान है तो ये सवाल शेख तारिक ने उठाया कि मेरे जहन में ये सवाल आया कि आखिर क्यों आखिर क्यों हम कुरान मजीद के मुकाबले में रसुल्लासम के वाज इर्शाद के मुकाबले में हम किसी और का कौल ले लें और इब्ने अब्बास रजीआन हमां की एक मिसाल पेश की कि इब्ने अब्बास ने जब का मसला बयान किया तो लोगों ने आकर खास तौर तो पर अपन जुबैर ने आकर एतराज किया कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हो आप लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हो यह मसला बयान करते हो कि मुता आज भी जायज है तो इबन अब्बास ने कहा ऐसा तुम क्यों कह रहे हो उसने कहा कि इसलिए कि हजरत अबू बकरे तो हजरत अब बकरे तो मना करते थे तो इबन अब्बास रजी अल्लाह ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें अल्लाह और खाल रसूल सुनाता हूँ और तुम मुझे खाल अबूबकर उमर कहते हो तुम्हारी हलाकत का खौफ है और एक रिवायत के अंदर अल्फाज़ है, है कि मुझे यह खदशा है कि आसमान से अजाब नाजिल हो जाए कि मैं अल्लाह और उसके रसूल का फरमान सुनाता हूँ और तुम आगे से मुझे क्या सुनाते हो कि हजरत अबूबकर ने यह फरमाया हजरत उमर रजील्लाुमा ने यह फरमाया तो इसलिए इनका कहना यह है कि जब मैंने ये सारी चीजें जमा की तो मुझे मालूम यह हुआ कि हम बहुत सारी चीजों के अंदर हम हकाक को छुपाते हैं मसल यही सबसे बड़ी मिसाल है कि सकलैन का बयान नहीं होता किसी सुन्नी मस्जिद से किसी मदरसे से तलबा को यह वाज नहीं दिया जाता इसके ऊपर गुफ्तु नहीं होती इसके मुकाबले में छोटे छोटे मसाइल को बयान किया जाता है हमारे यहाँ तबलीगी जमात, तबलीगी जमात का आप देख लें इसमें छे नंबर हैं इन नंबरों के ऊपर पूरी तबलीगी जमात खड़ी है दावत इस्लामी को देख लें या दूसरे फिरकों को देख लें आप उन सब के अंदर आपको बताया जाएगा कि जनाब आपने ये लिबास पहनना है ये हुलिया अख्तियार करना है इस तरह चलना है रस्ते पे चलना है तो यूं सर झुका के चलना है फला रंग के कपड़े पहनने हैं टोपी इस रंग की पहननी है इस शेप की पहननी है अच्छा मसवाक करना है तो उसका क्या तरीका है नाखून काटने हैं तो पहले किस उंगली से शुरू करना है और फिर अख्तितम किस उंगली पे करना है किस दिन काटने हैं तो छोटे छोटे मसाइल के ऊपर बयान होता है लेकिन हदीस उस सकलैन कहीं नज़र नहीं आती इसी वजह से ये कहते हैं कि मैं इस तरफ आ गया और मुझे मालूम हुआ कि बहुत सारे हक़ छुपाए गए यानी इस बात को मैं कई मरतबा बता चुका हूँ कि ये जो सिर्फ हदीसलैन है न, ये बहुत सारे हक़ से पर्दा उठा देती है इस सारे इससे बहुत सारे मसाइल हमारे सामने आ जाते हैं और आया हो जाते हैं खुल जाते हैं इसीलिए इसको छुपाने की कोशिश होती है एक दूसरी वजह इन्होंने ये बयान की कि मैं क्यों शिया हुआ हूँ ये कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कि शियत की तरफ माइल था वो कहते हैं कि मैं शियों के बहुत बड़ा मुखालिफ था और इनको काफिर समझता था जिस तरह आज हमारे यहाँ मुतशद और मुतासिब शख्स समझता है ये कहते हैं कि मैं ये समझता था कि ये तहरीफ कुरान के कायले हैं ये अली के उलूियत के कायल हैं ये आहल्बैद के उलूियत के कायल हैं ये साहबा को गालियां देते हैं वगैरह वगैरह ये सारी बातें ये कहते हैं कि मैं इसका कायल था और मैं इनसे मुनाज़रे करता था लेकिन फिर मैं इस जानब आया हूँ तो ये तहकीक से मैं आया हूँ और फिर इन्होंने इसकी जो वजह बयान की दूसरी वजह वो कहते हैं एक तो गदीर ख़ौम का बयान किया कि गदीर ख़ौम को ये बयान नहीं करते यानी हदीसलैन का बयान नहीं होता दूसरी बात इन्होंने कही कि हमने दूसरे फिरकों की नफरत में यानि शिया की नफरत में बहुत सारे झूठ ऐसे बनाए हैं और उन्हें हमने उनकी तरफ मंसूब किया है कि जब हमने उसकी तहकीक तो की तो मालूम हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है ये बातें तो यहाँ पर हैं उधर तो ऐसा कुछ नहीं है तो इसलिए मैं इस तरफ आ गया तो अब इनकी ज़िंदगी को अच्छा ये अभी जो है ये अमेरिका के अंदर होते हैं न्यूयॉर्क में और वहां पर एक मस्जिद है उलिल अलबाब उसमें इमाम है और मिस्री हुकूमत जब ये मसर में थे तो उनकी हुकूमती वफ्त के साथ इन्होंने हज भी किया है और ये बताते हैं कि मैंने तीन मरतबा हज किया और वहाँ के मिसर के हुकूमती वफ्त की जानब से मैं वहाँ पर गया था और एक वाक़ भी इन्होंने अपनी एक वीडियो में बयान किया है कि मैं कावत के बिल्कुल सए के अंदर था और वहाँ पर एक शेह नौजवान से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उसे कहा कि तुम शेह लग रहे हो और तुम्हारे ये ये अकायद हैं ये ये अकायद हैं तो उसने फिर कहा कि चले हैं होटल में चलते हैं वहाँ हमारे हैं मैं आलिम नहीं हूँ तो उनसे फिर कुछ गुफ्तगू हुई और उसके नतीजे में आ, मैंने फिर तहकीक़ की और तहकीक़ के बाद फिर मैं इस तरफ आ गया और शैत का ऐलान किया इन्होंने अपनी एक वीडियो के अंदर कुछ सवालात भी उठाए हैं जिसके ऊपर अगर आप उसे देखेंगे उर्दू के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल है गर्दिश कर रही है उस हवाले से भी अगर आप तहकीक करेंगे तो इन अगर आप, आप हक़ाक़ की जानेब पहुँचना चाहेंगे तो आप पहुँच सकेंगे क्योंकि अल्लाह सुबहाना मताल का ये वादा है कि जो हमारे रास्ते के अंदर वो सच्चाई के साथ मुजाहदा करता है कोशिश करता है तो हम उसके लिए अपने रास्ते वो खोल देते हैं हम उसके लिए अपने रास्तों को वाजे कर देते हैं तो ये इनका जो वाक़ बयान करने का मकसद है बुनियादी तौर पर यह है कि एक आलिम मुशिया हुए हुआ और मेरी इस बात की तस्दीक हो गई कि मैं ये कहता हूँ कि अगर हम अपने नौजवानों से हक़ को छुपाते रहेंगे और सिर्फ़ इस बुनियाद के ऊपर कि दूसरा फिर उसको फ़ायदा होगा तो हमारा नौजवान हमारे हाथ से निकलेगा इसलिए हमें अपने नौजवान के साथ मुखलिस होना चाहिए और हम इन अहदीस को और इन वाक़ को जिस तरह से वह हैं उसे बयान करें उसे छुपाए नहीं फिर सबसे बड़ी वजह जो है वो हक बयान ना करने की वो ये है कि हम अपने फ़िरके को राज़ी करना चाहते हैं अपने लोगों को राज़ी करना चाहते हैं यानी अगर मैं ये कहूँ कि जनाब मेरी गुफ्तू से वो शिया ही खुश होता रहे तो ये अल्लाह और उसके रसूल के लिए बात नहीं होगी कि मैं हक़ बयान ना करूं तो यानी मैं ये ना कहूं कि जनाब मुझे आ, मैं शिया तो नहीं हूं लेकिन मैं शियों की तारीफ कर रहा हूँ मैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर मुख्तलिफ हूँ यानी मैं अपने आप को शिया नहीं कहता हूँ और हकीकत के तौर पर कि मुझे इस बात उपर, आ, के ऊपर कि अहलसन्नत वालजमात का एक फ़र्द हूँ और मैं इस यानी जो हमारे जो रिवायात हैं उसके अंदर रहते हुए अल्बाई वसलम के फ़ायल का क़ायल हूँ लेकिन बात सारी ये है कि हमारे यहाँ सारा मसला ये है कि हम यहाँ पर आकर खामोश हो जाते हैं कि मैंने सिर्फ हक इसलिए बयान नहीं करना कि इससे दूसरे फ़िरकों को फ़ायदा होगा जबकि अल्लाह सुबहान फरमाया कि व रसूल होक आई उर्दू एक मोमिन का काम यह होना चाहिए कि वो अपना उसकी ज़िंदगी का मकसद ये हो कि वो ऐसी बात करे कि जिससे अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हो लेकिन हम अपने फ़िरक़े को राज़ी करना चाहते हैं अपने मदरसे के महतम को राजी करते हैं अल्लाह को राज़ी नहीं करते हमारा मतब नज़र अगर अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना होता तो हम क्यों हादी सकलेन को छुपाते हम क्यों सच्चाई को छुपाते हम क्यों इस बात को छुपाते कि नबी सल्हु वसल्लम ने अली तो से जो मन कुन तो मौला उफहाज अली मौला वहादा ये जो सहाबा से तो ये साहबा से बेत ली है अली के लिए यही इसका मफहम है सहाबा ने यही समझा है लेकिन हमने इसको छुपाया और इसको इस तरह बयान नहीं किया क्यों क्योंकि इससे दूसरों को फायदा होता है मगर इस हक को छुपाकर मैं यकीनन दिल की गहराइयों से आपके सामने ये बात रखूँगा कि जितना छुपाकर हमें नुकसान होता है और होने वाला है और हो रहा है इतना अगर हम इसको बयान कर देते तो कोई नुकसान न होता क्योंकि सच्चाई का एतराफ़ करना ये बड़े होने की दलील होती है तो अल्लाह सुबहान तैाली से दुआ है कि परददिगार हमें हक़ सच की तरफ़ आने की और उसे समझने की तोफ़ी अता फरमाए और कुरान मजीद में तदब्बर करने और बैतूल की मारफ़त अता फरमाए। वालीक वरमि वबरक